हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद विशाल में। तो आज मैं आपको एक नए टूल के बारे में बताऊंगा और एक नए टूल का यूज़ कर हम इस डिज़ाइन को क्रिएट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने अपना एक साइज़ ले लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हमारा आई ड्रॉपर से एक कलर पिक कर लेता हूँ। मैंने ये वाला कलर ले लिया यहाँ पर। उसके बाद में मुझे क्या करना है कि मेरे टेक्स्ट और इमेजेस को अरेंज करके एक डिज़ाइन क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इस बॉक्स का हम कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके एक कॉपी और पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद में हम इस कलर को इसमें फिल कर देंगे। यहाँ से हमारा शेप टूल पकड़कर हमें क्या करना है कि इस बॉक्स को जिसका हमने कॉपी किया है इसको कंट्रोल कर क्यू करके कर्व्स कर देंगे। उसके बाद में हम इसका ये वाला नोट पकड़कर डिलीट कर देंगे। ठीक है, इसका ये नोट डिलीट करने के बाद में हमें क्या करना है कि इस नोट को और शिफ्ट दबाकर इस नोट को, इन दोनों नोट को पकड़कर हमें यहाँ से इसे करना है कन्वर्ट टू कर्व्स, कन्वर्ट टू कर्व्स। और ये जिस टाइप का ये निशान था, मतलब ये शेप था, इससे क्या होगा कि ये दोनों कॉर्नर स्मूथ हो जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है कि इस शेप को थोड़ा सा चेंज करना है। तो मैं सबसे पहले इस नोट को पकड़ता हूँ और मैं इस शेप को हल्का सा चेंज कर देता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं ये कैसा चेंज हो रहा है। नीचे वाले को पकड़कर मैं हल्का सा ये कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमने इस बॉक्स को कुछ अलग टाइप का बना दिया है। तो यार चलिए, अब इसके बाद में हमें इस शेप को यूज़ करना है। ये मैंने नेट से डाउनलोड किया है, आप भी इसे नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिकली आप वहाँ पर जाकर लिखेंगे वेक्टर शेप्स तो आपको ये मिल जाएगा गूगल पे। हमें इसे क्या करना है कि हमें इसे ट्रेस करना है। तो ट्रेस करने के लिए मैं आपको पहले वीडियो पुराने वीडियो में भी बता चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ। हम यहाँ से इसे ट्रेस कर लेते हैं, हम इसे क्विक ट्रेस कर लेते हैं। तो अब ये हमारे पास ट्रेस हो चुका है। ट्रेस होने का मतलब ये है कि ये जेपीजी फॉर्मेट था, ये इमेज फॉर्मेट था, और अभी हमारे पास ये वेक्टर फॉर्मेट में है। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पर लेके आते हैं, इसे हल्का सा स्केल कर लेते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ मैं इसे, ये इतना इनफ होगा। हल्का सा इसको मैं रोटेट कर देता हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, मैं इसे कंट्रोल्स इन दोनों इस शेप को और इस बॉक्स को पकड़कर सी करूँगा तो ये इसके सेंटर में हो जाएगा, और ई करूँगा तो ये इसके इक्वल में आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं जो आपको नया टूल बताने जा रहा हूँ, कॉन्टूर। तो कॉन्टूर आपको यहाँ पर आएंगे जब आप, तो हमारे यहाँ पर ड्रॉप शेडो वगैरह सब कुछ होता है, यहीं पर एक कॉन्टूर भी होता है। कॉन्टूर को हम यूज़ कैसे करेंगे, जैसा कि ये हमारा शेप है, ये हमारे शेप पर हम क्या करेंगे, यहाँ से बाहर की साइड, इसको जब बाहर की साइड करेंगे तो क्या होगा कि इसका एक कॉपी बन जाएगा। इसे अलग से दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ से कलर चेंज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने इसका एक कॉपी बना दिया। हम इसके 4-5-6 जितने भी कॉपी बना सकते हैं, सिंपल उसी स्केल में उसी सब कुछ में हम इसका कॉपी कर सकते हैं। इसकी डिस्टेंस को कम ज़्यादा करने के लिए हम यहाँ से इसकी वैल्यू को बड़ा घटा सकते हैं। कॉन्टूर के और भी बहुत सारे यूज़ हैं, हम धीरे धीरे इसके और भी यूजेस के बारे में जानेंगे कि हम इसे कैसे क्या यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल में आप इसे देखिए, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसका एक और कॉपी बना लिया है कॉन्टूर से। तो अब हमें क्या करना है कि इन दोनों को, जैसे अभी आप देख सकते हैं ये दोनों साथ में वर्क कर रहे हैं, मतलब ये एक ही ग्रुप में, तो हमें इसे अलग करने के लिए कंट्रोल के करना होगा। कंट्रोल के का मतलब बैक अपार्ट, हमने इन दोनों को अलग अलग कर दिया है। हम क्या करेंगे, इसमें जो कलर फील कर रखा है हम उसे हटा देंगे और यहाँ से इसकी आउटलाइन बनाएंगे। यहाँ पर जाके राइट क्लिक करेंगे तो इसकी आउटलाइन बन जाएगी। इसकी आउटलाइन को हम थोड़ा सा मोटा कर देंगे, F12 दबाकर हम इसे 4 PT तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हम इसको 2 PT का कर देंगे। 2 PT भी लगता है थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हम इसे 1 PT कर देंगे। और इसका कलर हम यहाँ से चेंज कर देंगे, हम इसे वाइट कलर दे देंगे। वाइट कलर देने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और हम इसके थोड़े से लाइंस को चेंज करेंगे। लाइंस को चेंज करेंगे हम थोड़ा सा इस टाइप का, इसकी लाइंस कर लेते हैं। ओके, इसकी लाइंस आउटलाइन इसकी थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं। हाँ, अभी ये बढ़िया लगेगा। अब इसके बाद में हमारे पास जो दूसरी इमेज है हम उसे यूज़ करते हैं। हम इस इमेज को यूज़ करेंगे, इस इमेज को हम इस शेप के अंदर डालने वाले हैं। तो इस इमेज को इस शेप के अंदर डालने के लिए हमें क्या करना होगा, पावर क्लिप इनसाइड। हमने इसे पावर क्लिप इनसाइड कर दिया, राइट क्लिक करेंगे हम इससे जाके करेंगे एडिट पावर क्लिप। अब हम इसे थोड़ा सा स्केल करके हम हमारी इमेज को जमा देते हैं यहाँ पर, ताकि ये अच्छी दिखे। चलिए, बहुत बढ़िया तरीके से हमने इसे जमा दिया है। अब हमें और भी जो हमारे बाकी जो टेक्स्ट फॉर्म्स हैं हम इन सबको जमा लेते हैं। तो सबसे पहले इसे लेकर आता हूँ, ये जैसे पीछे चले गया, तो इसे ऊपर लाने के लिए हमें शिफ्ट पेजअप करना होगा। मैं इसे शिफ्ट पेजअप कर देता हूँ, इस
हल्का सा मैं दो लाइन में कर लेता हूँ इधर से। ओके, कंट्रोल के करके हम इन दोनों को अलग अलग कर देंगे। कलर में व्हाइट कर देता हूँ, इसे मैं इसके सेंटर में भी कर सकता हूँ। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसे कहाँ करना चाहते हैं। तो मैंने इसे सेंटर में कर दिया है, सेंटर में नहीं जम रहा है तो मैं इसे थोड़ा सा सेंटर में ही प्लेस कर देता हूँ वैसे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में हम हमारे इस टेक्स्ट को उठाकर यहाँ पर रख देते हैं, हम इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। और जो हमारा ये वाला जो हमने इमेज और ये वेक्टर बनाया था, हम इसको हल्का सा छोटा कर लेंगे, ठीक है। इसे हम यहाँ पर ला कर रख देंगे। अब हमारे लोगों को अरेंज करना है, तो लोगों को हम यहाँ पर ला कर इसे थोड़ा सा कर देंगे, यहाँ लगा देंगे। इसकी आउटलाइन में हटा देता हूँ। तो यार देख सकते हैं कि हम कितने छोटे छोटे और कितने सिंपल से टूल्स यूज करके हम कितना अच्छा अच्छा डिजाइन बना लेते हैं। तो आप, आई होप कि आप लोग भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, मेरा वीडियो देखकर आप लोगों ने भी कुछ सीखा होगा। अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल्स अच्छे लगते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और मुझे आप कुछ नया ट्राई करना चाहते, कुछ आप मुझे बताना चाहते कि यार कुछ इस टाइप के ट्यूटोरियल्स बताओ बनाओ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं उस टाइप के ट्यूटोरियल्स भी आपके लिए बनाऊंगा। यहाँ से मैं क्या करने जा रहा हूँ कि जो मैंने ये बॉक्स, ये जो मेरा मैंने अपना जो स्फीयर जो बनाया है, जो राउंड बनाया है, मैं इसको यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व्स कर दूंगा। और उसके बाद मैं इसकी भी लाइंस को चेंज कर दूंगा। तो यहाँ से मैं इसकी लाइंस चेंज कर देता हूँ, ठीक है। इन दोनों बॉक्स को पकड़कर, इन दोनों राउंड को पकड़कर मैं शिफ्ट के साथ में पेजअप कर दूंगा। सबसे जो पीछे वाला हमारा जो राउंड है, उसका कलर मैंने वाइट कर दिया है। और हमें कलर्स भी वही यूज़ करना है जो हमने हमारे मेन डिज़ाइन में जो कलर्स यूज़ किए हैं। तो मैं यहाँ से आई ड्रॉपर लेकर मेरे इस वाले राउंड में मैं ये कलर फील कर देता हूँ, ठीक है। और जो मेरी ये वाली आउटलाइन है, मैं इसको वाइट कलर दे देता हूँ। यहाँ से इसे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाकर इसे वाइट कलर दे दूँगा। इसकी आउटलाइन मैं हटा देता हूँ। ओके, इसकी आउटलाइन मैंने हटा दी है, इसकी भी आउटलाइन मैं हटा ही देता हूँ। अब हमारे इस वाले टेक्स्ट को हम यहाँ पर डाल देते हैं। इसका कलर मैं वाइट कर देता हूँ। तो लगभग हमारा डिजाइन कंप्लीट ही होने वाला है। तो मैं एक चीज और यहाँ पर लिख देता हूँ, हम फूट की जगह ये भी लिख सकते हैं। और इसको मैं हल्का सा छोटा कर देता हूँ। अभी ये बढ़िया लग रहा है, पहले से बहुत अच्छा लग रहा है। तो लगभग हमारा डिज़ाइन कंप्लीट ही होने वाला है। इसको अरेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से हमारा एक रेक्टेंगल ये टूल लूँगा और यहाँ से इसे हल्का सा ऐसा ड्रॉ करूँगा। यहाँ पर हमारे शेप टूल को पकड़ेंगे और इसके कॉर्नर्स को हम ऐसे पकड़ कर राउंड कर देंगे। और इस अपना क्या बोलते हैं, इस इलिप्स टूल, मतलब जो हमारा राउंड है, इसके साथ में इसको सेंटर कर दूंगा मैं। और इसको हल्का सा नीचे लेके आऊँगा, आई ड्रॉपर उठाकर, आई ड्रॉपर से मैं इसमें ये कलर फील कर देता हूँ और इसकी आउटलाइन को हटा देता हूँ। इस फॉन्ट को, इस टेक्स को पकड़कर और इस शेप को पकड़कर मैं सी और ई करूँगा। उससे क्या होगा कि ये हमारे सेंटर में चले जाएगा और इसके इक्वल में भी आ जाएगा। अभी ये पीछे चले गया तो शिफ्ट पेजअप के साथ में मैं इसे ऊपर लेकर आ जाता हूँ। इसको हल्का सा छोटा कर देता हूँ जितने पे ये अच्छा दिखेगा, सॉरी इसको हल्का सा बड़ा कर दिया है मैंने। और यहाँ से इसका कलर फिल कर देता हूँ ब्लैक कलर। ओके, तो लगभग हमारा डिज़ाइन कंप्लीट ही होने वाला है। अब इन चीज़ों को अरेंज करने के लिए भी मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट करूँगा, इनके कॉर्नर्स को भी मैं हल्का सा कर लेता हूँ, इसे छोटा कर लेता हूँ मैं। और इसमें भी हम एक कलर फील कर देंगे, कलर मैंने इसमें फील कर दिया। अब हमारे टेक्स्ट को अरेंज करने का है, तो हम इसके ऊपर शिफ्ट
पेजअप से ऊपर ले आएंगे और इसे मैं छोटा कर देता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल ई से इसे मैं अरेंज कर दूँगा। ओके, तो आप देख सकते हैं कि हमारा डिज़ाइन बिल्कुल कंप्लीट होने में आ गया है। तो यार पिछले टूल्स का कुछ यूज़ कर और इस नए टूल का यूज़ कर हमने इतना अच्छा डिज़ाइन क्रिएट कर लिया है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने कितने ही कम समय में कितना अच्छा डिज़ाइन बना लिया है। तो ऐसे ही डिज़ाइन सीखते रहने के लिए बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से ये होगा कि आप जब भी मैं अपने चैनल पर नया वीडियो डालूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू।